जैसा कि आप सभी को मालूम है कि लद्दाख के संरक्षण यानी कि सेफ गार्ड्स के बारे में काफ़ी वक्त से एक मुहिम एक अभियान चलता आया है, तो इस सिलसिले में अभी हाल में कई जम्मू में ऐसे मुजाहरे हुए, तो इस बारे में मैं सबसे पहले तो लद्दाख के जो हमारे रहनुमा हैं, लीडर्स हैं, नेता हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने लद्दाख के इस मसले को आगे बढ़ाया, अपने मतभेद इख्तलाफात को जम करके दूर रख के मिल के एक आवाज़ उठाई। और मैं ये समझता रहा हूं कि हम सारे जो जनता हैं, लोग हैं, वो भी अपना एक हक और फर्ज निभाएं, तो इस वजह से मैंने ये घोषणा की थी कि मैं 26 जनवरी जो कि हमारे आईन या संविधान का दिन है, जिसने हमें ये संरक्षण देने का वादा किया है ऐसे हिस्सों में जहाँ पर जनजाति लोग हैं उनकी संरक्षण की, तो उसको सपोर्ट करने के लिए, हमारे लीडर्स को सपोर्ट करने के लिए 5 दिन का एक अनशन करूंगा। और वो क्योंकि हम ये यहाँ के पहाड़ों के, यहाँ के बर्फीली ग्लेशियर्स की संरक्षण की बात कर रहे हैं, तो उनके साये में करूँ, खरदोंगला पर करूँ, तो ये मेरा हार करने के लिए या एक योगदान के लिए, ज़रूरी नहीं है कि खरदोंगला की ऊंचाइयों पे मेरे साथ ही जुड़ें, मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा एक हजूम खरदोंगला पर हो, बल्कि हाँ आप इजहार करें, ये बिल्कुल बुनियादी आपका हक और तरीका है जमहूरियत का, गणतंत्र का, कि आप अपनी आवाज़ सुनाएं कि यहाँ लद्दाख में एक मसला है, इसकी संरक्षण की ज़रूरत है, ये बोलना हमारा फ़र्ज है एक जमहूरियत में, तो वो आप अपने घरों से करें। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर ऐसा एक व्रत या फास्ट या अनशन करें, एक दिन का करें, अपने घरों में करें, या जो कम्युनिटी स्पेसेस हैं, मस्जिद हैं, गुनपा हैं, मंदिर हैं, चर्च हैं, गुरुद्वारे हैं, वहाँ पर जमा होके आप सिर्फ शांति से इजहार करें कि हम इस संरक्षण की बात जो हमारे नेता दिल्ली में करने जा रहे हैं उसके साथ हैं हम, क्योंकि ये ज़रूरी है कि सरकार को पता लगे कि ये बात सिर्फ चंद नेताओं की नहीं, सभी लोगों का, बच्चों का, बड़ों का, मर्द औरत, बुद्धिस्ट मुस्लिम, सबकी ये एक आवाज़ है, तो इसके लिए आप अपने अपने जगहों से करें, ना कि मेरे साथ ही जुड़ने के लिए आएँ। बहुत से लोगों ने भारत के अलग अलग हिस्सों से ये कहा है, तो मैं उनसे भी यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने शहरों से मिले, क्योंकि दूसरी तरफ हमारे क्या कहते हैं, नौकरियां, ज़मीन वगैरह भी हैं, मगर जब तक कि हमारा पानी नहीं होगा तो न ज़मीन का कोई मतलब होगा न नौकरियों का, क्योंकि हम तो शरणार्थी बन के कहीं और पहुंच चुके होंगे। तो मैं ये देखता हूं कि सबसे पहला हमारा संरक्षण पर्यावरण को होना चाहिए। कुछ लोग इस चीज़ की काफ़ी निंदा कर रहे थे सर, तो आपको क्या लगता है कि बहुत लोग इस पे सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इस अनशन से क्या रिजल्ट आना चाहिए? ये एक ध्यान आकर्षित करने का शांतिपूर्ण तरीका है। देखिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए लोग तो कुछ भी करते हैं, कहीं हवाई जहाज़ को हाईजैक कर देते हैं, कहीं अगवा करके हॉस्टेज रखते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा हूँ, मैं खुद पे थोड़ा सा दर्द उठाकर, किसी और पर दर्द ना थोप कर, खुद पे थोड़ा दर्द उठाकर लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, खासकर सरकार का, और सिर्फ सरकार नहीं लोगों का भी, कि कुछ बदला जाए। ये जो पुराना हमारा तरीका था प्रोडक्शन कंजम्पशन, ये पुरानी बात हो चुकी है, अब तो संरक्षण की बात, नाउ इट इज हीलिंग टाइम, नॉट मोर एक्सट्रैक्शन प्रोडक्शन कंजम्पशन, ये पुराने हो चुके हैं, अब दुनिया को संवारने की वक्त आ गया। सर, जैसे आप जो मैसेज डाला था उसमें अंत में ये भी कहा कि अगर ऐसे कुछ संकेत दे कि अगर ठीक मिला तो फिर हम मिलेंगे, तो इससे एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफ़ी हलचल हुई, तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई आपको अप्रोच आया कि हाल में मेरे ख्याल से छत पे गुजरे, तो कैसा रहा था? अब बिल्कुल कोई मुश्किलात नहीं हुई,
बल्कि मैंने उतना नहीं ओढ़ा जितना खारदुंगला पे, तो कम मैं किया, और ऐसा कोई मुश्किलात नहीं, बिल्कुल ही मुश्किलात नहीं लगा। मैं तो बहुत आराम से तारों को देखने लगा। हाँ, खारदुंगला पे थोड़ी मुश्किलात बढ़ेगी, और वही तो बात है कि मुश्किलात खुद पे डाल के औरों का भी थोड़ा जगाएं सोए हुए को। तो बल्कि मैं ये कहूंगा कि मैं खारदुंगला पे रात को सोऊंगा तो शायद आप लोग ले में ही अपने घर के बाहर या ले बाजार में सोइए, तारों को देखिए और दुनिया का ध्यान आकर्षित कीजिए कि यहाँ लद्दाख में लोग इस तरह से बाहर रात को सो रहे हैं, ताकि लोग अपने एमिशंस और पोल्यूशन कम करें दुनिया भर में। ये अच्छा तरीका है, एक इनोवेटिव तरीके से दुनिया का ध्यान इस पे जाए कि हमारे अय्याशियों के वजह से एक लद्दाख जैसे इलाके में लोगों को विस्थापित होना पड़ रहा है, वरना लोग अपने बिजनेस एज यूजल जाएंगे। हम तो यहाँ ये कह देंगे आपको खतरा है आप मत जाइए, रोक देंगे, तो उससे क्या होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इससे बेहतर है हम थोड़ा तकलीफ उठाएं, और तकलीफ भी इतनी बड़ी नहीं है जैसा कि मैंने आज सुबह कहा। अगर सर एडमिनिस्ट्रेशन आपको जाने नहीं मिल देंगे तो फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मुझे नहीं लगता है कि वो जाने नहीं देंगे। हो सकता है वो ये कहें कि हाईवे पर, रोड पर आप बाधा नहीं खड़ा कर सकते हैं, जो कि मैं समझ पाऊंगा। हाईवे से हेलो वर्ल्ड, आई एम अप, गुड मॉर्निंग। इट्स बीन -16.7, क्लोज टू -17, एंड विद विंड चिल फैक्टर मे बी -20। आई एम अलाइव एंड हैप्पीली अप। थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। दिस टेस्ट वेंट वेरी वेल। आई वॉज नॉट टू अनकंफर्टेबल, जस्ट अ लिटिल कोल्ड एट द फीट एंड नीज, बट ऑल फाइन एंड अलाइव। थैंक यू एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी वन आउट देयर। गणतंत्र दिवस पर कि वो जैसे खाना हम खाते हैं तो आधा फेंक देते हैं आधा खाते हैं। अब एग्रीकल्चर सबसे पोल्यूटिंग शोभों में से है, और इतना पोल्यूशन करने के बाद जो खाना प्लेट में आता है हम आधा उसे फेंक दें, तो मतलब किस लिए हम ये कर रहे हैं? उससे तो बेहतर था आधा ही एग्रीकल्चर करते, तो आधा ही एमिशन होता, आधे ही हमारे ग्लेशियर्स पिघलते, या फिर वो बिजली बचत करें, इसी तरह पेड़ लगाएं। तो मैं चाहूंगा कि बच्चे बूढ़े सब लोग प्रतिज्ञाएं करें हमारी जलवायु को संरक्षण करने का। ये संरक्षण सिर्फ सरकार से नहीं, सबसे आनी चाहिए। इस बात को आगे रखने के लिए भी मैं ये अनशन कर रहा हूँ, ताकि सबका ध्यान हमारे जलवायु, हमारे पर्वतों, हमारे ग्लेशियर्स पर जाए, और लद्दाख जैसे इलाके जो सबसे पहले शिकार होंगे। यहाँ कुछ गांव अभी से रेफ्यूजी, शरणार्थी बन चुके हैं, क्लाइमेट रेफ्यूजीज, तो उन सबको हम बचाने में अपना अपना फर्ज पूरा करें। सर नहीं है, हम लोग खुद क्या करते हैं? जो हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिसके वजह से हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, असल में वो सरकार की वजह से नहीं, बल्कि हम लोगों की जो जीवन शैली है उसके वजह से हो रहा है। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एक तरफ सरकार, जो हमारे लीडर्स ने मांग रखे हैं, उन पर चर्चा करने की सहमति जताए, ये मेरी तरफ से पेशकश है इस अनशन के पीछे। और दूसरा ये है कि लोग भारत के और दुनिया के, वो भी ये प्लेज करें, ये प्रतिज्ञा करें कि वो अपने जीवन शैली को बदलेंगे। जिस तरह से वो जहाँ पैदल जा सकते हैं वहाँ भी गाड़ी लेके जाते हैं, या जहाँ रेल से जा सकते हैं वहाँ हवाई जहाज से जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो यूज़ नहीं करते हैं। खाना जो एग्रीकल्चर है वो सबसे